बाड़ो हमार तो जान निकल गई। हेलो रॉकी, हेलो रॉकी रघुनंदन बोल रहा हूं। क्या हुआ, लड़की को खत्म किया? रॉकी बोल क्यों नहीं रहा? हेलो पापा, आप ये सब के पीछे आप रहने पापा? सनसनी लल्लू आ गई ला। अब पापा ही देह लेना, कहला ना कि पुलिस के हवाले कर दिया ये मोबाइल। चला वीडियो बा। रिसोर्ट के रिसेप्शनिस्ट टीना से हमारे संबंध हो गई रहे, वो पेट से हो गई और हमरा ब्लैकमेल करे लगल। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, या तुम उससे शादी कर लो या अपने इस रिसोर्ट में आधा हिस्सा दो। तुम पागल हो गई क्या? पागल हो गई हो? तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को और सारी दुनिया को तुम्हारे करतूत के बारे में बता दूंगी। किसी लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। टीना, मुझे थोड़ा वक्त दो। टीना के खत्म करे के अलावा हमारा पास कोनो रास्ता ना है। काहे से के कत्ल हुई तो पुलिस कातिल के ढूंढी, तबे हमार ध्यान हमरा गांव से रिसोर्ट पर पहुंचल सीधा साधा लल्लू पर पड़ल। हम पूरा प्लान तैयार कर लेने, ओके आसानी से फंसावल जा सकेला। हम पूरा योजना बना लेनी कि केहू के ही न पता चले कि मरे वाली लड़की टीना। टीना तुम ना नौकरी छोड़ दो। क्यों? मेरी पत्नी रिसेप्शन पे काम करते हुए अच्छी लगेगी। सच? तुम उससे शादी करोगे? हाँ। मुंबई में एक थिएटर की लड़की से हम पहले ही बात कर चुके लानी, बाकी काम करने के बाद। मुझे सिर्फ बलात्कार का नाटक करना है, उसके बाद। उसके बाद जब प्रिया लल्लू के साथ बलात्कार के नाटक करते रहे तो उस समय हम ठीक सामने वाला कमरा बना लें। चेहरा ढक लो। जी। चाबी से हम लल्लू के कमरा खोल ली और पेट्रोल वाला कैन वहां छुपा देने। हम अपना ऑफिस में लौट के अपन कपड़ा बदल लेने, अब कपड़ा उजे छुपा देने। सर, रूम नंबर 306 से धुआं आ रहा है। क्या? रूम नंबर 306 से धुआं आ रहा है। चलो सब वैसा ही होता है जैसा हम सोच ले रानी।
पुलिस लल्लू के कातिल मान ले रहे, लेकिन पता था कैसे लल्लू प्रिया चौधरी के खोज ले लस। दिव्या, लल्लू का जरूरत रहे चाचा, हमसे कल रहता, अरे हम सब कुछ अपने ऊपर ले रहते चाचा।